नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी। आज हम लोग इस क्रॉनिकल मैगजीन की सीरीज में पढ़ेंगे मार्च महीने में हुए निधन। पहली न्यूज है डैनियल कनमैन। आइए देखते हैं हम चर्चा में क्यों रहे, इनका निधन हो चुका है। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अग्रणी नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कनमैन का 27 मार्च को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आगे देखते हैं कि डैनियल कनमैन प्रसिद्ध इजरायली अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला था। 2002 में इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका जन्म 5 मार्च 1934 को तेल अवीव में हुआ था। उन्होंने 1950 के दशक में इजरायली राष्ट्रीय सेवा की थी। अब बताइए तेल अवीव किस देश की राजधानी है और किस सागर के तट पर बसा हुआ है तेल अवीव, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली खबर है कि एल रामदास। आइए देखते हैं, भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सेवानिवृत्त हो चुके हैं लक्ष्मी नारायण रामदास। इनका 15 मार्च को हैदराबाद में निधन हो गया। इनकी आयु 90 वर्ष थी। रामदास ने 1990 से 1993 तक 13वें नौसेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। इनके दौरान एक प्रमुख कार्य हुआ था कि महिलाओं को पहली बार नौसेना में शामिल किया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी भूमिका के कारण उन्हें वीर चक्र प्रदान किया गया था। परमाणु निरस्त्रीकरण के उनके प्रयासों के लिए 2004 में उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सादी मोहम्मद देखते हैं, रवींद्र संगीत के प्रसिद्ध गायक सादी मोहम्मद का 14 मार्च 2024 को बांग्लादेश के ढाका में इनका निधन हो गया है। सादी मोहम्मद ने भारत में विश्व भारती विश्वविद्यालय से रवींद्र संगीत और स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की थी। अगली न्यूज है ब्रायन मुलरोनी। ये कौन थे, तो ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे ब्रायन मुलरोनी। 29 फरवरी को इनका निधन हो गया। मुलरोनी ने 17 सितंबर 1984 से 1993 तक लगभग 9 वर्षों तक कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, इतना याद रखिएगा। आगे हैं अजीज कुरैशी, ये उत्तर प्रदेश की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश के ये पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी, इनका 1 मार्च को निधन हो गया है। कुरैशी पहली बार 1972 में मध्य प्रदेश की सीहोर सीट से विधायक चुने गए थे। 1984 में लोकसभा के ये सदस्य बने थे। कुरैशी ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम। अजीज कुरैशी को 24 जनवरी को मध्य प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ की सरकार थी उस समय MP उर्दू अकादमी का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं अरुण कुमार शर्मा, ये कौन है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पुरातत्वविद और पद्मश्री से सम्मानित अरुण कुमार शर्मा का 29 फरवरी को निधन हो गया है। 29 फरवरी को इनका निधन हो गया। वे छत्तीसगढ़ सरकार के पुरातात्विक सलाहकार थे। अरुण कुमार शर्मा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये राम जन्मभूमि मामले के प्रमुख गवाह थे। शर्मा के पुरातात्विक साक्ष्यों को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के अस्तित्व का समर्थन किया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण उत्खनन में शामिल शर्मा के काम से सिरपुर, मल्हार जैसे प्राचीन स्थलों के इतिहास का पता चलता है। इन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।